राजस्थान में बगावती तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को 14 जुलाई प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना सचिन पायलट को भारी पड़ा। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार गिराने का ये पूरा षड्यंत्र रचा। इस सियासी खेल के बाद सचिन पायलट का एक इंटरव्यू हुआ जहां उनसे कुछ सवाल किए गए। इन सवालों पर सचिन पायलट ने क्या जवाब दिया हम आपको बताते हैं। सवाल यहां पर सचिन पायलट से किया गया, अशोक गहलोत का आरोप है आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। सचिन पायलट ने कहा, इन दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मैंने राजस्थान में कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की, मैं क्यों पार्टी के खिलाफ काम करूंगा? अगला सवाल, अब जब आपको पदों से पार्टी ने हटा दिया है, आप कांग्रेस में किस तरह आगे बढ़ेंगे? सचिन का जवाब, जरा माहौल तो शांत होने दीजिए, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे अपने समर्थकों के साथ अपने कदम पर चर्चा करनी है। अगला सवाल, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? बीजेपी कह रही है आपके लिए दरवाजे खुले हैं। सचिन पायलट कहते हैं, मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं, भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा। मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। सवाल, क्या आप भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं? ओम माथुर या ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपने मुलाकात की है? सचिन पायलट ने कहा, मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूँ, 6 महीने हो चुके हैं, सिंधिया से मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना ही ओम माथुर से मिला हूँ। अगला सवाल, आपके लिए मुख्यमंत्री बनना इतना ज़रूरी क्यों है? आपकी पार्टी का कहना है इतनी कम उम्र में आपको काफ़ी जिम्मेदारियां दी गई, पद दिए गए, क्या आप महत्वाकांक्षी हो रहे हैं? सचिन ने कहा, सिर्फ बात मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, मैंने मुख्यमंत्री पद की बात तब की जब मैंने 2018 में पार्टी की जीत की अगुवाई की, मेरे पास सही तर्क थे। जब मैंने अध्यक्ष पद संभाला, पार्टी 200 में से 21 सीटों पर आ गई थी। 5 साल के लिए मैंने काम किया, गहलोत जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। चुनाव की जीत के बाद गहलोत जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। अनुभव के मसले पर उनका क्या अनुभव है? 2018 से पहले वो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2 चुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी 56 और 26 पर आ पहुंची। इसके बाद भी उन्हें 3री बार मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाँ, मैंने राहुल गांधी का फैसला स्वीकारा, वो सीएम बने। राहुल के कहने पर मैं डिप्टी सीएम बना। राहुल गांधी ने सत्ता का बराबर बंटवारा करने की बात कही, लेकिन गहलोत जी ने मुझे साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अगला सवाल, आपकी क्या मांग है? क्या आप मुख्यमंत्री पद और मंत्रियों के लिए जगह मांग रहे हैं? सचिन पायलट ने कहा, मैंने ऐसी कोई मांग नहीं रखी, मैंने सिर्फ यही चाहा कि आत्मसम्मान के साथ मुझे काम करने की जगह मिले, जो मुझसे वादा किया गया था। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये सत्ता की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। SPN9 न्यूज़ रूम से मेघा की रिपोर्ट।